जो सीन ये है कि इसलिए हम लोग पेट्रोल स्टेशन में लोकेशन है वहाँ पे आ गए हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई प्रॉपर ग्लव्स का यूज किया करें, उस जगह सैनिटाइजर लगाने की जरूरत है। और बाइक बंद हो गई नौफल भाई से। मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर आज का अवैध भाई की स्टॉपी है। तो सीन ये है कि हम लोग अभी पेट्रोल स्टेशन वाली जगह पहुंच चुके हैं और इस वक्त 8:30 हो रहे हैं और अब मेरी मुझे बाइक नज़र आ रही होंगी और हमें तीन लोगों ने ज्वाइन किया और ये तीनों हमारे पिछले राइडर्स वही हैं जिन्होंने हमें पहले भी हमारे कुछ 3 से 4 सेशन पर ज्वाइन किया है। एक है आसद भाई, एक है मुनीब और एक है जुनापी। तो आसद भाई और जो मुनीब हैं उनके साथ हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और जो जुनापी उनके साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। उन लोगों की बॉडी पोजिशन पर काफ़ी काम होने वाला है दोनों बॉयज़ की और जुनापी की थोड़ी सी बेसिक्स हैं उनको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमें तो काफ़ी लोगों ने कहा था जाने का कि 4 से 5 बंदे थे जिन्होंने कहा था आने का लेकिन नहीं आए, तो कोई नहीं, हमने तो सेशन जारी रखना है। तो स्टार्ट करते हैं अभी और साथ साथ जो जो ड्रिल्स होंगी उसमें आपको गाइड करता रहूँगा और बाकी आप शॉर्ट्स देखते रहेंगे। तो बाकी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह को दरकार है। इस वक्त सीन ये है कि मेरे पीछे आपको ड्रिल नज़र आ रही होगी, ये है सर्व ब्रेकिंग की ड्रिल और इसका बेसिक मकसद ये है कि आपने कॉन्टीन्यूसली अपनी ब्रेक को डायरेक्शन चेंज करते हुए भी यूज़ करना होता है। तो पहले हमने वार्म अप के लिए ये ड्रिल लगाई है और इससे थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे ये सारे। और इस वक्त मुनीब पहले आ रहा है करने के लिए, वो करता है फिर देखते हैं क्या रिजल्ट। मुनीब आ रहा है वो ट्राई कर रहा है। बीच में तुमने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया है, ये फिर एक्सेलरेट किया तुमने। मुनीब ने भी किया है इसको ड्रिल को और उसकी बीच में गलती निकली कि वो एक्सेलरेट करते हुए थोड़ा सा ब्रेकिंग करते हुए थोड़ा सा एक्सेलरेट कर रहा था, तो उसको इस बारे में बताया और वो फिर से लेके आ रहा है बाइक। बाकी फर्दर फिर देखते हैं। बेहतर है, बहुत बेहतर है। नहीं ठीक है, बेहतर हो गया पहले से। एंटर होना स्टार्ट किया, यही करना है कि ट्रेल करते हुए लेके जाना है। भाई पकड़ो भाई, भाई पकड़ो। मुझे लगता है मैंने इस बार रेप दबाई नहीं थी, मैंने सिर्फ फ्रेम दबा ली थी। जुनापी हैं वो आई, उन्होंने ब्रेक की कोशिश की है स्वर ब्रेक की, लेकिन कुछ उनका मतलब के चक्कर हुआ है और बाइक बड़ी बुरी तरीके से गिरी है, वो भी गिरी हैं। ग्लव्स नहीं पहने हुए थे उनके, ये उनकी गलती है, हमारी गलती है, हमने नहीं बोला उनको, लेकिन बचत हो गई है। राइडिंग जैकेट पहनी हुई थी, ट्राउज़र वगैरह पहना हुआ था, नी पैड्स पहने हुए थे, बचत हो गई है। बाइक को भी इतना खास नुकसान नहीं हुआ लेकिन रगड़े छड़के तो लगी हैं बाइक को। बाकी अब उनको थोड़ा रेस्ट करवा रहे हैं और ये पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन अजीब लगता है, उनके लिए पहला एक्सपीरियंस है और हमारा भी ऐसा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे किसी के इस तरह से इतने बुरी तरीके से गिरना। तो वीडियो तो नहीं बन सकी लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम। जुना पे एक रैश के बाद अब अवैध भाई की बारी है और अब वो ट्राई कर रहे हैं सर्व ब्रेकिंग को और इनको करवाते हैं सर्व ब्रेकिंग, देखते हैं इनमें क्या मतलब के चेंजेस आती हैं, क्या गलतियाँ करते हैं ये। बाकी जुना अभी हम साइड पर थोड़ा सा ले गए हैं कि उनको ब्रेकिंग के हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि वो इससे फेमिलियर हो जाएं। बाकी अब वो करते हैं फिर देखते हैं कि क्या होता है। इस बार ही क्या मसला हो रहा था, फ़ोन आई है उसके बाद डायरेक्शन जो चेंज हुई ना वो इतनी स्मूथली ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ठीक है, उसको डायरेक्शन को स्मूथली करना होता है। एक बार बता बात आई थी ना काउंटर स्टेयर वाली, उसको हल्का सा अप्लाई करने की यहाँ पर कोशिश कर, अवैध भाई इसका कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती करते हैं ये। बेहतर था, बहुत बेहतर था, फ़र्क लगा वो करने में इस बारी। तो व्यूअर्स हम अपनी डे की सेकंड ड्रिल पे आ चुके हैं। पहली ड्रिल जो थी हमारी सर्व ब्रेकिंग वाली वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमने की है उसकी प्रैक्टिस और अवैध भाई और मुनीब भाई जो हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया उसके ऊपर। अब सीन ये है कि हम 360 न्यूटन्स पे आ चुके हैं और इनके लिए हमारा जो बेसिक एम होगा वो ये होगा कि हमने इनकी बॉडी पोजिशनिंग पर काम करना है। इन्होंने ड्रिल पहले की हुई है लेकिन अब इनको हम सिखाएंगे बॉडी पोजिशनिंग। बॉडी पोजिशनिंग का फ़ायदा क्या क्या होगा कि इनको फुल लॉक स्टेयरिंग, फुल लॉक टर्न्स के अंदर इनको मदद मिलेगी। दूसरा आप अमीर हमजा इनको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएगा, उसके बाद फर्दर इनको गाइड करेंगे और फिर आगे देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करना है। जहाँ आपने जाना है आपने उससे अपोजिट साइड पर अपना बैलेंस करना है। सीन ये है कि हमने 360 यूटर्न लगा दी है, हमने इनको बॉडी पोजीशनिंग के अंदर जो काउंटर बैलेंस होती है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इनको। और इस वक्त हम लोग ड्रिल तो नहीं करवा रहे लेकिन इनको ड्रिल से बाहर हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपनी बॉडी पोजीशनिंग को यूज़ करना होता है और किस तरीके से अपना जो आपने लोअर बॉडी उसको यूज़ करना है। तो इस वक्त मुनीब भी कर रहा है, वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो एक बार फील लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइक किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है जब हम काउंटर बैलेंस यूज़ करते हैं। और अगर कैमरा आपको दिखा सके तो पीछे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों लगे हुए हैं।
कॉर्नर यूज़ करो पूरा। हाँ, ये जहाँ जाना है वहाँ देखो। आई समझ में? बीच में ये नहीं करना। भाई इसका सीन ही हुआ है कि अवैध भाई जो हमारे पास आए हुए थे, उन्होंने सुबह से ना मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने यूट्यूब देखी है, मैंने सब कुछ किया है, क्या मैंने इसमें ना स्टॉपी मारनी, मुझे स्टॉपी का बहुत शौक है मारने का। और अभी अभी ऊपर जो एक रेवोल्यूशन जिस तरह होती है ना एक स्किल की, वैसे रेवोल्यूशन हुई है उनके ऊपर, वो सुबह से लगे हुए थे प्रैक्टिस करने, और उन्होंने ये अगर आपने देखा हो तो उन्होंने स्टॉपी मारी है इसके ऊपर, और अब वो स्टॉपी मारने में मतलब कि ना हम उनको देख के अमेज हुए कि यार बंदा किस तरीके से कर रहा है, और काफ़ी मतलब कि ना मज़ेदार सीन लग रहा है। तो अब ये कि उन्हीं प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद मैं भी देखूंगा करके कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वो आखिरकार कामयाब हो गया। इधर वह खुशी का समय है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। देखिएगा शायद नज़र ये फाइनली आज हमारा 13 ऑफिशियल प्रैक्टिस सेशन का एंड होने को जा रहा है, और आज हमने जो ड्रिल्स की थी वो शोल्डर ब्रेकिंग की है, और आज हमने बॉडी पोजीशन पे काम किया अपनी, और आई होप कि जो हमारे राइडर्स थे उनको भी काफ़ी फ़र्क नज़र आया होगा उनके राइडिंग के अंदर, और अभी आप उनका भी रिव्यू सुनिएगा कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। बाकी काफ़ी अच्छा रहा आज का वीक, और हम जो गोल सेट करके आए थे आज वो हमने गोल अचीव कर लिया है, और इस वक्त 11 बज रहे हैं, और आज धूप भी हमें बहुत तंग कर रही है, वरना हम इसको और फर्दर शायद कंटिन्यू कर लेते, लेकिन आज के दिन में काफ़ी अचीवमेंट्स अनलॉक हुई हैं। मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर आज का अवैध भाई की स्टॉपी है, उनकी अमेजिंग YBR की, तो ये सीन हुआ है आज। बाकी राइडर्स का रिव्यू लेते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। जो दो राइडर्स ने हमें ज्वाइन किया है वो हैं एक अवैध भाई और एक है मुनीब भाई, और आज हम थोड़ा सा सेशन करेंगे इनसे, जिसमें हम इनसे डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ सीखा है, और जब ये यहाँ पर आए तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अवैध भाई, दोनों ही सवाल है कि पहली जो ड्रिल आपने की थी शोल्डर ब्रेकिंग वाली, उसमें क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया? उसके अंदर जो सीखने को मिला वो तो पहली बात ये है कि ब्रेकिंग आपने अगर कोई पैनिक सिचुएशन हो जाए तो आपने ब्रेकिंग किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं तो एकदम ब्रेकिंग हो जाती है या गाड़ियाँ रुक जाती हैं, तो उधर से आपने कटिंग करते हुए ब्रेकिंग का इस्तेमाल किस तरह करना है, वो चीज़ सीखी है। दूसरा ये जैसे कि आप गुजरते हुए कहीं पे खड्डा वगैरह आ जाता है सड़क पे, तो उस पर ब्रेकिंग करते हुए आपने उसको अपनी बाइक को किस तरह कंट्रोल करना है, मुझे तो इससे ये फील हुआ कि इससे ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज़ होगा। ठीक हो गया। और इससे पहले जो आप ब्रेकिंग कर रहे थे वो अब आपने जो चीज़ें सीखी उसमें कितना फ़र्क नज़र आया? उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वो इस तरह के पहले जब हम ब्रेक लगाते थे हम ना हार्ड थे, हमारे बाजू हार्ड होते थे, हम हैंडल को हिलने नहीं देते क्योंकि हमें अनकॉन्शियसली होता था कि हमने हल्का सा हैंडल मुड़ा और हम डाउन गिर जाएंगे। इसमें यह था कि हैंडल को कंट्रोल रखते हुए, जो बैलेंस रखते हुए आपने मोड़ा है, स्वर्व करना है, और ये भी नहीं कि आप बहुत हार्ड कर रहे हो, स्मूथली करें। तो हम लाते हैं आपको अपनी हमारी फीमेल राइडर से, हमारी जुनापी जो कि ऑल द वे फ्रॉम वेलेंसिया छतरी गोलचक कर 40 किलोमीटर से यहाँ आती हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज? आज मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी लर्निंग वाला रहा, क्योंकि आज मैं गिरी भी हूँ अपनी गलतियों की वजह से, और मेरे हाथों पे आपको चोट नज़र आ रही होगी, और लर्न मैंने ये किया कि राइडिंग गियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू राइड। हाँ, तो आज इन्होंने अपने हाथों पे चोट लगवाई है, हमारे पास सनी प्लास हुई कमी हो गई, लेकिन इनके सनी प्लास पूरे नहीं हुए जो लगने वाली जगह थी, चोट लगी है कि अभी सनी प्लास भी कम रह गए हैं। तो इन्होंने भी ये लेसन लर्न किया, और हम भी आपको ये लेसन लेना चाहते हैं कि यार आपने जब भी राइड करना है, बेशक आप छोटी मोटी राइडिंग कर रहे हो, आपने गियर जरूर प्रॉपर पहनना है, ग्लव्स और हेलमेट लाजमी होना चाहिए। हेलमेट उन्होंने पहना हुआ था, राइडिंग जैकेट पहनी हुई थी, बड़े ब्रूटल तरीके से गिरी हैं, लेकिन क्योंकि चीज़ें पहनी हुई थी तो इस वजह से कवर हो गया। उसके अलावा आपने सीखा क्या है आज, जो आपने गिरने के अलावा, गिरना भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है मेरे हिसाब से, उसके अलावा क्या सीखा आपने? और उसके अलावा मैंने ब्रेक को मैंने ड्रैग करना सीखा, तो रेयर ब्रेक को मैंने ड्रैग किया, उसमें मैंने थोड़े से सर्कल अपने लिए, और मैंने ये नोटिस किया कि कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है मतलब रेयर ब्रेक को यूज़ करते हुए, तो ये मेरा बहुत बेस्ट आज के लर्निंग। आज इन्होंने को जो हमने चीज़ें सिखाई हैं, अमीर अमजा ने वो सिखाई हैं कि पिछली ब्रेक आपने किस तरीके से यूज़ करनी है, अगली ब्रेक को किस तरीके से ड्रैग करना है, और पिछली ब्रेक को यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं, बाइक किस तरीके से स्टेबल हो पाती है इनकी। बाकी इनका जो लर्निंग कर्व है वो बाकी बॉयज़ वाला डिफरेंट है, और लेकिन ये है कि ये कंसिस्टेंटली हमारे पास की 4th वीक तक ये आती रही हैं, 4 वीक हो गए इनको आ रही हैं ये,
और इनको अपनी राइडिंग के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। बाकी और भी अगर ऐसे राइडर्स हैं जो बाइक सीखना चाहते हैं, स्पेशली फीमेल राइडर्स, और जिनको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए बाइक सीखने के लिए, तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, हमें यूट्यूब पर देख सकते हैं, और हमें फेसबुक भी अप्रोच कर सकते हैं। बाकी हर संडे हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है यहाँ पर सुबह 8 o'clock, तो ज़रूर हमें ज्वाइन करें। बाकी आप जो वीडियो देख रहे हैं तो इसको अगर इंस्टाग्राम पर देखें तो फॉलो जरूर करिएगा, बाकी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी थैंक यू फॉर कमिंग और थैंक यू आपका देखने का।